केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को काम करने के अतिरिक्त घंटों से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने दिल्ली के पीतमपुरा स्थित केंद्रीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव में की। मुझे शिक्षकों की पीड़ा भी मालूम है, उनके सपने भी मालूम है। एक अन्याय की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्द दूर कर दूँ, वो है कि आपको एक्स्ट्रा जो घंटे यहाँ स्कूल में रहना पड़ता है। मैंने एचआरडी मिनिस्टर से ऑलरेडी बातचीत कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस मीटिंग में ये जो आपके मन की पीड़ा है ये दूर हो जाएगी। कपिल सिब्बल ने केंद्रीय विद्यालय के हर विद्यार्थी को सब्सिडी पर टैबलेट दिए जाने की इच्छा भी जाहिर की। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका कपिल सिब्बल ने भरपूर आनंद लिया और बच्चों को अपनी कविता भी सुनाई। खुदा कह दे कि मौका मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा, खुदा कह दे कि मौका मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा। तालीम की दुनिया में दौलत भरी है, तालीम की दुनिया में दौलत भरी है, उस दौलत को पाना है मुझको। तालीम की दुनिया में दौलत भरी है, उस दौलत को पाना है मुझको। रास्ते फिर से ढूंढूं खुद में, पहाड़ों पे चढ़ना है मुझको। रास्ते फिर से ढूंढूं खुद में, पहाड़ों पे चढ़ना है मुझको। राज हैं ऐसे पहचान करके, समझना समझाना है मुझको। राज हैं ऐसे पहचान करके, समझना समझाना है मुझको। खुदा कह दे के मौका मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा।